तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है और अपनी यूएसबी पेन ड्राइव को सिस्टम पे लगा लेना है और अपना जो बूट की है उसको प्रेस करना है। मेरा ऐप 11 है तो मैं प्रेस कर रहा हूँ, किसका ऐप 12 होगा तो उसमें जो आपको पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है। मेरा सैंडिस का भी शो करता है। उसके बाद जो भी स्टेप आपको शो करेंगे उसको आप वन बाई वन फॉलो करना है। हमारा सिस्टम जो है बूट हो चुका है, अभी विंडो लोड हो रही है। आप जो है पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है मेरी इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा बता रखा आपको। ये आ गया हमारा सेटअप विंडोज का फर्स्ट पेज, जिसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और टाइम और करेंसी फॉर्मेट कहाँ का रहेगा, आप जिस कंट्री के हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है कीबोर्ड और इनपुट मेथड, इसमें भी आपके जिस कंट्री के हैं उसके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट जो रहता है यूएस का रहता है, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट। इस वीडियो को मैं थोड़ा फ़ोन से बना रहा हूँ जिसकी वजह से जो है क्लियरिटी नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको आगे क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, आपको सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद इंस्टॉल ना हो आप इसको कीबोर्ड के थ्रू भी, आपके माउस ना हो तो कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अल्ट के साथ एन, अल्ट के इंस्टॉल नाम के लिए अल्ट के साथ आई। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर हमारे पास नहीं है तो इसमें हम डाल सकते हैं आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, हम ये सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर विंडोज़ का वर्जन आपका कौन सा करना चाह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे होम है, होम एन है, होम सिंगल लैंग्वेज है। अब इसमें होम और होम एन है, होम का मतलब है कि इसमें सारे आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के साथ विंडोज़ के साथ आते हैं वो आपको रहेंगे, और होम एन का मतलब है कि इसमें आपके जो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम रहते हैं हमें अगर हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें तो हम उसको एन करके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और कस्टम पे क्लिक करेंगे। अगर हमें कोई विंडोज़ को अपग्रेड करना है तो हम ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें न्यू इंस्टॉलेशन करना है तो उसको हमें कस्टम पे करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे पार्टीशन का है कि हमें कैसे पार्टीशन करना है। मैं इसमें मेरी हार्ड डिस्क जो है कम जीबी की है तो मैं सिंगल पार्टीशन करूँगा, पहले डिलीट करूँगा सारी, सारे पार्टीशन को डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है और डिलीट पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू के लिए न्यू पे क्लिक करना है, और आपको अगर आपको कोई और न्यू पार्टीशन चाहिए तो आप यहाँ से यहाँ पे अपना डालेंगे साइज, किस साइज़ का पार्टीशन करना है आपको, और अप्लाई करेंगे। आप इसमें पार्टीशन मल्टीपल कर सकते हैं, दो से तीन पार्टीशन कर सकते हैं आप। ये हमारा हो चुका है, अब इनको हम फॉर्मेट करेंगे। ये हमारा विंडोज जो है इंस्टॉल हो रहा है। अब जो इसमें देखिए, इसमें नीचे आ रहा है गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। अब ये जो प्रोसेस है ये 100 तक जाएगा, उसके बाद ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट लेगा। ठीक है, अब देखिए 1% हो गया, इसको मैं बीच में पॉज कर दूंगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। देखिए 45% हो चुका है, अभी 97, जैसे ही 100 हो जाएगा ना उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर रिस्टार्ट लेगा सिस्टम। इस सेटअप को होने में जो है थोड़ा टाइम लगता है, इसके बीच में आपको इसको कैंसिल नहीं करना है, अगर कैंसिल कर देंगे तो आपका जो है इंस्टॉलेशन रुक जाएगा। ये प्रोसेस पूरी होगी, देखिए सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। जब रिस्टार्ट होने के बाद सिस्टम ओपन होगा तो हमारा जो विंडोज़ का सेटअप है वो दोबारा से रन होगा ऑटोमेटिकली। अभी हमें पेन ड्राइव से बूट करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, तो जहाँ पे हमारा सेटअप क्लोज हुआ था वहीं से ही हमारा स्टार्ट होगा। बस कुछ टाइम के बाद आपका जो है सिस्टम रेडी हो जाएगा यूज के लिए। देखिए जितनी भी सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हो रही हैं।
ये कोई भी प्रोसेस होती है उस टाइम पे आपको जो है सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करना है। अगर रिस्टार्ट करते हैं तो फिर वो दोबारा से, अब रिस्टार्ट करने सिस्टम को तो वो फिर से वहीं से शुरू होगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है तो ये इसलिए टाइम लेता है। आपका सिस्टम आप कुछ ही मिनटों में आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है अपना रीजन तो डाल देंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी कंट्री के हैं उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो कीबोर्ड टाइप है इंग्लिश इंडिया कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्केप कर दिया। अब यहाँ पे हमें नेटवर्क के लिए पूछ रहा है कि नेटवर्क का जो कनेक्शन है, मैं यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट कर दूँगा। कंटिन्यू विद इंटरनेट सेटअप। सिस्टम आपका रिस्टार्ट हो गया एंड देन जो है अब आगे का प्रोसेस लेगा। जहाँ से आपका रिस्टार्ट लिया था सिस्टम, वहीं से आपका आगे सेटअप जो है सर्विसेज को जो है आप इनेबल करेंगे और डिसेबल करेंगे। अब इसमें आपको अपनी कंप्यूटर का जो यूज़र है उसका नाम डाल देना है। आप किस नाम से यूज़र बनाना चाहते हैं, मैं सिंपल से इसमें यूज़र के नाम से बना देता हूँ। और नाम डाल सकते हैं या एडमिन कुछ भी, जिस पर जो सूटेबल होता है वो अपने अकाउंट डाल सकता है। और यहाँ पे हम पासवर्ड भी डाल सकते हैं जो हमारा लॉगिन में पासवर्ड पूछेगा, कि मैं बिना पासवर्ड के इसको आगे रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, आप यहाँ पे जो है इनेबल डिसेबल कुछ भी करें, या लोकेशन का है, सेंड रिक्वायर, आप उसको पूरा पढ़ के अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करो। थोड़ा और करीब 5 मिनट लगेंगे और आपके 5 मिनट आपके सेटअप हो जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर दें क्योंकि विंडोज 10 में जो है कॉर्टाना का जो है इसकी सर्विस है इसमें, तो आप इसको यस कर सकते हैं या फिर नॉट नो भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यार वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, ये जो है थर्ड टाइम लेगा। दिस माई टेक सेवन मिनट्स। नीचे देखना डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, अपने कंप्यूटर को जो है बंद नहीं करना है। लीव एवरीथिंग टू अस, विंडोज स्टे अप टू डेट to help protect you in online world। Windows 10 में एक फीचर है, अगर इसको आप अप टू डेट रखते हैं तो आपका सिस्टम अच्छे से स्मूथली वर्किंग करेगा। अगर ये आउटडेटेड है तो इसमें थोड़ा कुछ हैंगिंग का इशू आता है और भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं जैसे सर्विसेज से रिलेटेड। ये हमारा जो है स्टार्ट जो हमारा डेस्कटॉप है ओपन हो चुका है। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद आप इसको जो है इसमें जो आपके नीडेड सॉफ्टवेयर हैं या इसके ड्राइवर हैं वो आप इसमें इंस्टॉल करें और उसके बाद सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लें, जिससे सारी सर्विसिंग जो है अच्छे से वर्क करेंगी। अब आप यहाँ से जो है जो आइकन है डेस्कटॉप के वो जैसे डिस्क पीसी का है या फिर डॉक्यूमेंट का है, कंट्रोल पैनल है, डाउनलोड है, वो हम यहाँ से चेक मार करके अप्लाई कर देंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे शो करेंगे। बस आप अपने रिक्वायरमेंट के